हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीजी प्रथम सेमेस्टर में आपका नामांकन कब से शुरू हो रहा है, इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है और कौन कौन स्टूडेंट नामांकन ले पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी जो जानकारी है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से तैयार रखना है, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कब से ये नामांकन प्रक्रिया शुरू होगा, आवेदन कब से शुरू हो रहा है, आवेदन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप पार्ट थ्री पूरा कर लिए हैं तो अब आपका एडमिशन जो है पीजी प्रथम सेमेस्टर अर्थात एमए में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आवेदन जो है 28 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो आगे डेट बढ़ने वाला है यानी आगे तक चलने वाली है। तो कब से कब तक डेट है इसकी जानकारी हम इसमें आपको देंगे। उससे पहले कितना फी लगने वाला है इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप पीजी में नामांकन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बैठक में लिया गया निर्णय के अनुसार 750 रुपया आपका फी होगा। अगर पीजी में नामांकन चाहते हैं एमए एमएससी में तो आपको 750 रुपया एडमिशन चार्ज होगा, ठीक है। अगर लेट से आप आवेदन करेंगे तो विलम्ब शुल्क आपको 100 रुपया देना होगा। औपबंधिक सूची यानी जो है मेरिट लिस्ट होता है जिसको प्रोविजनल लिस्ट कहते हैं, ये आपका 10 सितंबर को जारी होगा। तो एक एक जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो कुछ क्वेश्चन पेपर होगा, सिलेबस होगा या गैस क्वेश्चन पेपर होगा, वो भी हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। ये चैनल जो है काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी की बात करते हैं पीजी में कितना सीट है। इस बार जो है कम नामांकन वाले विषयों के सीटों की जाएगी स्थगित, यानी कम जिसमें कम नामांकन वाले विषय को, यानी जिस विषय में कम नामांकन होता है वो विषय ही इस बार क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वो सीट ही खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे जरूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, आगे समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं पीजी में नामांकन के लिए 28 से करें आवेदन, यानी 28 अगस्त से आपका आवेदन शुरू हो रहा है, विलम्ब शुल्क के साथ 31 अगस्त से शुरू होगा। यानी आप लोग को बता देते हैं, 28 यहाँ पर ये दूसरा जानकारी था, ठीक है, इसमें पूरी जानकारी है यहाँ पे, ठीक है। आगे बताते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रूप में हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले तो आपको पीजी में नामांकन लेना है तो इसके लिए आपको मैट्रिक इंटर मार्कशीट स्नातक पार्ट थ्री का मार्कशीट, हो सकता है आपके पास नेट वाला होगा तो नेट वाला से भी आपका नामांकन हो जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका सीएलसी आपके पास होना बहुत जरूरी है, जो आपको कॉलेज से मिल जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर और जाति आय आवासीय जहाँ पर जरूरी होगा वहाँ पर आपका लगेगा, इसलिए ये सभी आप तैयार रखिएगा, ठीक है, जहाँ जरूरी होगा। तो नामांकन का जो प्रक्रिया है ये आपका 28 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो प्रयास कीजिएगा कि जब से शुरू होगा तब से ही आपको करा लेना है, ठीक है। तो पूरी तरह से जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे दिए हैं, अगर कुछ जानकारी बच गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर पूछिए बताइए, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। विशेष जानकारी के लिए आपको क्या करना है, विशेष जानकारी के लिए आपको गूगल पे आ जाना है और वहाँ सर्च करना है एमएनसी क्लासेस। जैसे आप एमएनसी क्लासेस सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, इसमें आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है यूनिवर्सिटी अपडेट में, और यूनिवर्सिटी अपडेट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अभी नेट स्लो काम कर रहा है, नहीं तो यहाँ पर आपको सारे अपडेट और क्वेश्चन पेपर की जानकारी, सिलेबस की जानकारी, कोई भी जानकारी होगा यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।